नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं फ्लोरिंग कारपेट के बारे में, या कारपेट फ्लोरिंग के बारे में, या फिर इसको हम विनाइल फ्लोरिंग भी कह सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आपका फर्श आपस में कम पैसों में बहुत अच्छा लुक देना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में ये कारपेट फ्लोरिंग बड़े ही काम आने वाली चीज है आप सभी के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर कारपेट फ्लोरिंग आप करवाते हो तो यहाँ बहुत सस्ते में आप एक बहुत अच्छी फ्लोरिंग आप करवा लोगे। और डिजाइन इसमें दोस्तों कोई कमी नहीं, इसमें आप जो सोच रहे हो उस डिजाइन का आप यहाँ पे फ्लोरिंग करवा सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कारपेट फ्लोरिंग में एक बहुत ही डिजाइन की वैरायटीज है, यहाँ पर हजारों या लाखों डिजाइंस है। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा बता करके भी आप बनवा करके वैसी फ्लोरिंग करवा सकते हो। और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, और ये खर्चे में आपका नॉर्मल जो भी आप टाइल फ्लोरिंग करवाते हो या पत्थर की फ्लोरिंग करवाते हो या फिर एक नॉर्मल फ्लोर करवाते हो, तो वहां पर जो खर्चा लगता है इन सभी खर्चों से सबसे कम खर्चे में ये आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा, और घंटे दो घंटे के बाद आप इसको यूज भी करने लग जाओगे। और बाकी किसी भी फ्लोरिंग में आपको कम से कम आपको एक से दो दिन का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आप उस फ्लोरिंग को यूज कर पाओगे। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप घंटे दो घंटे के बाद आराम से इसको यूज कर सकते हो, और इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है इसको। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या एक कमरे में आपको लगाने का कितना पैसा लग जाएगा, प्लस इस हिसाब से आप निकालना सीख जाओगे कि आपको अगर आपके घर में कितना ही बड़ा एरिया है तो आप इसमें कितना पैसा लग जाएगा आपको लगाने में या खरीद के लाने में, और इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी आपको, या फिर किस थिकनेस की आपको लगानी चाहिए। थिकनेस जो है ना दोस्तों इसकी मिनिमम टू मिनिमम 1 mm होनी चाहिए। अगर अच्छी थिकनेस रखना चाहते हो तो 1.5 से 2 mm के बीच में इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई में आता है, कई वैरायटीज में आता है दोस्तों। ये आता है आपका रोल में आता है, जो कि आपको 6.5 फुट लंबा चौड़ा होगा और इसमें रोल में आएगा। और या फिर ये आता है टाइल के शेप में भी आते हैं, तो ये टाइल के शेप में भी आप ले सकते हो। और नहीं तो ये आता है एक स्ट्रैप फॉर्म में, जो कि स्ट्रैप जो है इसके बहुत अलग अलग वैरायटी उसमें भी डिजाइन आती हैं। मेनली जो इसको स्ट्रैप फॉर्म में जो है, ये वुडन कलर का आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं यहाँ फटाफट आपको कॉपी पेन के ऊपर लेके चलता हूँ और थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ कि आपको अगर आपका किसी कमरे में आपको लगाना है तो आपको उस कमरे में लगाने में कितने पैसे लगेंगे, प्लस आपको लेबर रेट क्या लगेगा, और प्लस आपको उसमें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ बताऊंगा। इसको लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, आपको बहुत आराम से इंस्टॉल हो जाता है, और प्लस ये आपको गर्मी में आपके फर्श को ठंडा रखेगा और ठंडी में आपके फर्श को ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेगा। ये बड़ा ही सॉफ्ट होता है दोस्तों, और जब से आप चलोगे ना एक फॉर्म वाली फीलिंग देगा ये आपको। ऐसे में बहुत बार जो होता है घर में बच्चे हैं तो ऐसी फ्लोरिंग कार्पेट फ्लोरिंग का यूज खास कर किया जाता है। और सबसे बेस्ट इसकी थिकनेस कितनी होगी दोस्तों, वो इसकी कम से कम अगर आप 3 mm की लगाते हो तो बहुत बेटर है, तो सबसे बेस्ट थिकनेस है। वैसे नॉर्मली आपको 1 mm से नीचे की इसकी थिकनेस की नहीं लेना है, क्योंकि 1 mm से नीचे की अगर थिकनेस की अगर आप लेते हो तो ऐसे में क्या होगा कि आप कोई सा भी थोड़ा बहुत सामान खिसकाओगे तो वो फट जाएगा और खराब हो जाएगा। आपको हमेशा इसको लगाने के बाद ध्यान रखना है ये कहीं से भी थोड़ी बहुत निकलती है तो उसको आप तुरंत आपको SR लगा के या फिर एडिटिव लगा के इसको पेस्ट कर देना है तुरंत। ऐसे में अगर आप पेस्ट नहीं करते हो, नजरअंदाज करते हो, तो कुछ टाइम के बाद ये निकल जाएंगी, और निकल जाने के बाद ये धीरे 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 ये खराब होने लग जाएंगी। इसमें आपको इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ आपकी कम से कम आपका अगर अच्छे क्वालिटी का लगाते हो आप तो आपकी इसकी 8 से 9 साल 10 साल तक भी आपका चल जाएगा अगर आपने अच्छी क्वालिटी की लगाई। हाँ, इसको आप आउटर साइज में यूज नहीं कर सकते, इसको जितना हो सके घर के अंदर वाली जगहों पर ही यूज कर सकते हो। घर के अंदर वाली जगहों पर यूज करते हो तो ये उतना ही ज्यादा आपका चलेगा, अगर घर के बाहर वाली जगहों पर यूज करोगे तो वहां पर इसके धूप की रोशनी जहां जहां पड़ेगी उस कुछ टाइम के बाद ही इसके जो कलर्स हैं वो बहुत जल्दी डल हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप इसको घर के अंदर हमेशा ज़्यादा यूज़ करो। और इसमें दोस्तों अगर कोशिश करो कि जब भी ये काम करवा रहे हो कारपेट फ्लोरिंग, वो इस काम करने के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर एक स्पेशलिस्ट लेबर होगा इस काम करने का तभी वो ढंग से कर पाएगा। नहीं तो बहुत बार देखा गया है कारपेट फ्लोरिंग तो लोग करवा लेते हैं मगर उसमें हवा रह जाती है, और बाद में वो बड़ी अजीब रहते हैं, और बाद में वही उन्हीं जगहों से वो कारपेट
जो है वो फटती है और फटने के बाद धीरे धीरे वो खराब हो जाती है। तो ऐसे में अगर जब भी आपको थोड़ी बहुत कार्पेट फ्लोरिंग निकलती है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, पेस्ट करें, और साथ में ये ध्यान रखें कि ये सब कुछ आपका जो ये थोड़ा बहुत निकलता है वो सब कुछ का ध्यान रहे। सबसे अच्छा दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, कॉर्नर्स में ध्यान नहीं देते हैं। अगर कॉर्नर्स में खास कर कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से ये चिपका हुआ होना चाहिए। कॉर्नर्स में अगर जरा सा भी निकलता है तो वहां पे तुरंत इसको जो ग्लू है उसका जो भी से ग्लू आता है या एसआर आता है उसको लगा करके चिपकवाइए, क्योंकि दोस्तों कॉर्नर से ही सबसे पहले खराब होना जो होता है वो शुरू होता है। तो इसलिए दोस्तों कॉर्नर से परफेक्ट तरीके से अच्छे तरीके से आपको ग्लू लगा के चिपकवाइए। और इसका ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉर्नर में ढंग से ग्लू लगा होगा तो ये आपका जल्दी उखड़ेगा नहीं। और जब भी लगा रहे हैं तो इसको जब फर्श को ढंग से सफाई करके और प्रॉपर ढंग से अच्छे तरीके से गोंद लगा करके जो ग्लू आता है इसका जो असर आता है इसका वो असर को ढंग से लगवा करके उसके बाद लगवाएं, क्योंकि बहुत बार ये ढंग से लगा नहीं है। कई बार क्या होता है कॉर्नर्स में लगा दिया, सेंटर में थोड़ा बहुत लगा दिया और बहुत सारी जगह छोड़ देते हैं, तो उसमें प्रॉपर ढंग से ग्लू होना चाहिए। चलिए दोस्तों कॉफी पेन पे हम आते हैं और उसके बाद वहां देख लेते हैं इसकी प्राइस आपको क्या पड़ने वाला है, कितना पड़ने वाला है, प्लस आपको एक कमरे में लगाने का क्या कॉस्ट पड़ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको एक कमरे का पता लग जाएगा तो आप ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट अपने घर का एरिया नाप करके उसके बाद आप पूरे घर में निकाल सकते हो कि आपको कितने का ये कारपेट फ्लोरिंग आपको अपने घर में लग जाएगा। फटाफट से आते हैं कॉफी पेन के ऊपर। फटाफट से दोस्तों यहाँ पे हम कॉफी पेन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोर कारपेट इंस्टॉलिंग, या फिर हम कारपेट फ्लोरिंग भी लिख सकते हैं, कारपेट फ्लोरिंग इंस्टॉलिंग भी लिख सकते हैं, इंस्टॉलेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया था मैं आपको एक कमरे के हिसाब से, और ये कमरा हमने ले लिया है और इसका हमारा जो एरिया है वो हमारा एक साइड जो है आपका 16 फुट है, दूसरा साइड हमारा यहाँ पे 11 फुट है। तो बाकी इसको जब हम इसका एरिया निकालेंगे इस कमरे का फ्लोर का तो कितना निकलेगा, तो हम जब एरिया निकालने के नॉर्मली क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जब लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे या फिर आपका स्क्वायर है तो यहां पे ए स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे हम वैसे ही यहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ जब करेंगे तो उसका एरिया निकालने के लिए तो यहां पे 16 फुट और प्लस 11 फुट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ गया 176 स्क्वायर फुट। तो यहां पे 176 स्क्वायर फुट आपका जो आ गया ये पूरा एक कमरे का जगह आ गया। तो इस कमरे में आपको कारपेट लगाने के लिए आपको कितना पैसा लग जाएगा। अब नॉर्मली जो कारपेट जो है दोस्तों, जो फ्लोर कारपेट है या फ्लोरिंग कारपेट है दोस्तों, इसका रेट आपको कितना पड़ता है, ये आपको 15 रुपए से शुरू होकर के 150 रुपए तक, क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है, जगह वाइज डिपेंड करता है, लेकिन आप एक साधारण एक नॉर्मल एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी का, ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छे क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का अगर आप लगाते हो तो आपको 15 से 20-25 रुपए में एक अच्छे क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, एक मीडियम क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। तो हमने ऐसे ही एक मीडियम क्वालिटी का कारपेट पकड़ा है, वो जो मीडियम क्वालिटी का कारपेट है वो आपको 22 रुपए तक में एक ठीक ठाक एक अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप 22 रुपए का अपने मीडियम क्वालिटी का जो कारपेट जो पकड़ा है अगर उसको हम अब उसको जो 176 स्क्वायर फुट है जगह में वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मली जो है वो कारपेट उतना इतने एरिया का 176 स्क्वायर फुट एरिया का जो कारपेट है वो आपका 3872 रुपए में आ जाएगा, 22 रुपए के हिसाब से कारपेट आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही अगर आग जो हमारा कारपेट ग्लू है या फिर हम इसको एसआर भी कह सकते हैं, नॉर्मली जो इसको जो इसमें गोंद यूज होता है या ग्लू यूज होता है उसको एसआर एडेसिव के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में जो एसआर एडेसिव है या फिर कारपेट ग्लू जो कह लीजिए इसको, वो आपका इतने बड़े कमरे में आधा लीटर के आसपास वो आपका यूज होगा, आधा लीटर आपका यहाँ पे 250 रुपए तक में आपका आ जाएगा, और 250 रुपए तक में आ जाएगा 176 स्क्वायर फुट में आपका जो कारपेट है वो यूज कर पाओगे। और यहाँ डिजाइन आपका इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो मैं 22 रुपए स्क्वायर फुट के साथ डिजाइन बता रहा हूँ इसमें डिजाइन की कमी है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे। और इसलिए दोस्तों आप यहां पर अच्छे तरीके से खुद से जाकर के अपना डिजाइन देख करके और खुद से डिजाइन चुन करके जरूर लें और एक बार यूज करके जरूर देखें, जहां पे आपको लगता है कि आप अभी बहुत ज्यादा खर्चा करना चाहते नहीं है और वहां पे एक नॉर्मल एक फिर भी एक अच्छी
फ्लोरिंग देना चाहते हैं आपको, खासकर जो ये आपका जो कारपेट फ्लोरिंग है या विनाइल फ्लोरिंग है, ये आपको नॉर्मली आपने ट्रेनों में आपको बहुत ज़्यादा देखी होगी। इसको लगाने का आपको लेबर रेट कितना लग जाएगा, वो आपका मोटा मोटा आपका 800 रुपये आपका यहाँ पर लेबर रेट लग जाएगा इतने बड़े रूम में आपको लगाने के लिए। बाकी जगह के हिसाब से अगर जगह बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपका लेबर रेट भी आपका बढ़ सकता है। टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे आपका 4,922 रुपये, मतलब मोटा मोटा आपका 5,000-5,500 रुपये एक कमरे में लगाने का मान लीजिए। क्यों अब 5,000-5,500 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप तो आप कहोगे कि 4,922 रुपये में आपका सारे काम हो गए, लेकिन काफ़ी बार आप जब मार्केट में जाओगे, मार्केट से लेकर के आओगे, तो वहाँ से आपको घर तक लाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज या फिर इसको काटने पीटने का ट्रांसपोर्ट कुछ थोड़ा बहुत खर्चा, तो वो सब मिला करके आपका ये 5,500 रुपये तक आपका मोटा मोटा खर्चा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका 176 स्क्वायर फुट जगह में आपका जो है वो आपका 4,922 रुपये में ये कारपेट बहुत आराम से, ये कारपेट फ्लोरिंग आपका बहुत आराम से लग जाएगा। तो वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, और नए हैं हमारे चैनल पे दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आपका हर एक सब्सक्राइब, आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट बहुत करता है और इस तरह की वीडियोज हम लाते रहते हैं हम चैनल पे। इसलिए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं यहां पे। जय हिंद, जय भारत।